अब मैं परिवर्तन यात्राओं की बात करता हूं। बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं लगभग पूर्णता की ओर पहुंच रही हैं। कल आज किशनगंज में जो थी परिवर्तन यात्रा, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री, और 12 में किशनगंज में थी, परंतु वसुंधरा राजे नहीं आई। उनका नाम था वक्ताओं में, वो नहीं आई। कल परिवर्तन यात्रा वसुंधरा राजे के इलाके में होगी, झालावाड़ में, उनकी खुद के विधानसभा क्षेत्र में होगी। बेटा सांसद है, लेकिन लोकसभा चल रही है, इसलिए उनके आना तो संभावित नहीं। वसुंधरा राजे वहाँ जा रही हैं नहीं जा रही, इस बारे में कोई ऑफिशियल सूचना अब तक नहीं है। न झालावाड़ के पदाधिकारियों को पता है, और न ही वसुंधरा राजे के कोई टूर प्रोग्राम की सूचना मीडिया को प्राप्त हुई है। इसलिए माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और क्या होगा आगे, वक्त बताएगा। मुंडवा में गई परिवर्तन यात्रा, राजेंद्र राठौड़ वहां थे, रामलाल शर्मा वहां थे, चुमू के विधायक, इन सब ने संबोधित किया। परिवर्तन यात्राएं हर तरफ जोश का संचार करती हुई आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा जोश दिखाई नहीं दे रहा कि तख्ता ही उलट देंगे। अब वो मोदी की सभा है 25 तारीख को जयपुर में, भाकरोटा में, तब पता लगेगा कि 5 लाखों का लक्ष्य है, 5 लाख लोगों का, 5 लाख लोग आते हैं नहीं आते हैं, क्या कैसा जोश दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष नेतृत्व भारत का भी और भाजपा का भी, उनके नेतृत्व में उनके नाम पर वोट मांगे जाएंगे, चुनाव लड़ा जाएगा। और उस दिन भी यही यक्ष प्रश्न रहेगा कि जैसी पिछली 4 सभाओं में वसुंधरा राजे ने सिर्फ मंच पर बैठकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मोदी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया, क्या इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर वसुंधरा राजे का भाषण होता है नहीं होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। राजनीतिक पर्यवेक्षक इससे आने वाली हवा का अनुमान लगाएंगे। सबकी निगाह इस बात पर होगी, बीजेपी के नेताओं की भी, कार्यकर्ताओं की भी, प्रदेश की आम जनता की भी, और राजनीतिक विशेषज्ञों की, पत्रकारों की। अब आइए सुनते हैं आज राजेंद्र राठौड़ ने और रामलाल शर्मा ने क्या कहा परिवर्तन यात्राओं को संबोधित करते। नेशनलाइज्ड बैंक से सबसे ज्यादा नोटिस यहाँ जारी हुए हैं, बिजली की कटौती सबसे ज़्यादा यहाँ है, पेपर लीक होने में सबसे ज़्यादा त्रस्त यहाँ का नौजवान रहा, और गैंगस्टर जितने यहाँ झुंझुनू में पनपे, कहीं नहीं पनपे, इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब शेखावाटी बदलती है तो राजस्थान बदलता है। इस बार शेखावाटी में कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी ने कभी भी कांग्रेस की योजनाओं को बंद नहीं किया, उल्टा बीजेपी के समय में जो वेलफेयर की योजनाएं थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लेकर, गौरवपथ योजना से लेकर, टोल फ्री योजना से लेकर, मुख्यमंत्री दुग्ध योजना से लेकर, अन्नपूर्णा रसोई योजना से लेकर, तमाम योजनाओं को इस सरकार ने आते ही बंद करने का काम किया है। पूर्ण जनता इस विश्वास के साथ है कि सिर्फ समय की नजाकत है, जैसे समय आएगा निश्चित रूप से परिवर्तन 101% करेगी। अब ये हफ्ता बहुत हॉट होने वाला है, आने वाला सप्ताह राहुल गांधी भी आएंगे, जयपुर में सभा करेंगे, जयपुर से कुछ ही दूर भाकरोटा में प्रधानमंत्री सभा करेंगे। जयपुर की राहुल गांधी की सभा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की, चुने हुए विधायकों की, इनकी सभा है, उसमें आम जनता को संबोधित करने का प्रावधान नहीं। लाइव टेलीकास्ट भी होगा या नहीं होगा अभी कह नहीं सकते। और प्रधानमंत्री की सभा चारों परिवर्तन संकल्प यात्राओं का समापन समारोह के रूप में होगी। कल झालरापाटन में, झालावाड़ में, वसुंधरा राजे के इलाके में परिवर्तन संकल्प यात्रा होगी, और उसमें वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी या नहीं करेंगी, इससे आने वाले समय की राजनीति की भावभूमि की प्रस्तावना लिखी जाएगी, अंदाजा लगेगा। हम सबकी निगाह कल उस पर रहेगी, और उसके बाद 23 तारीख की राहुल गांधी की कार्यकर्ता संबोधन पर, और उसके बाद 25 तारीख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तन संकल्प यात्रा समापन संबोधन पर। ये एक हॉट पॉलिटिकल वीक इस बार आप देखेंगे, और हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे पेनल्टी कॉर्नर में, इसी तरह शॉट लगाते रहेंगे
राजनीति की समीक्षा करते रहेंगे। नमस्कार।